आप सभी को राधे राधे। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पापम कुशा एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह एकादशी पापों से मुक्ति दिलाने वाली और मनुष्य का कल्याण करने वाली होती है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु का व्रत और पूजन करने से जीवन में धन, यश, वैभव और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। पुराणों के अनुसार पापंकुशा एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य को अनेकों अश्वमेघ यज्ञों और सूर्य यज्ञ के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। मान्यता तो ये भी है कि इस दिन का व्रत करने और कथा सुनने मात्र से ही मनुष्य के बहुत से पापों का नाश हो जाता है और उसके लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। पापंकुशा एकादशी के दिन श्रद्धा भक्ति सहित भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन किया जाए तो मन मांछित फल की प्राप्ति होती है। इस लोक में सुंदर स्त्री, पुत्र और धन सर्व संसारिक सुख मिलते हैं। अंत में वह आप भी स्वर्ग को जाता है और उसके मातृ पक्ष के 10 पुरुष, पितृ पक्ष के 10 पुरुष तथा स्त्री पक्ष के 10 पुरुष विष्णु जी का स्वरूप होकर वैकुंठ को जाते हैं। इस एकादशी से एक दिन पहले भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था। हे रावण का कर्म और स्वभाव दोनों राक्षसों के थे, परंतु वंश तो ब्राह्मण का था। इसी कारण ब्रह्म हत्या के दोष के निवारण हेतु मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी ने पापंकुशा एकादशी का विधि सहित व्रत किया। लक्ष्मण, जानकी तथा भालू बंदरों ने भी उपवास किया और पाप रहित हो गए। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण जी से पूछा कि हे द्वारकाधीश, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इस व्रत का करने का फल क्या है और इस व्रत की विधि क्या है, आप मुझे यह सब विधि पूर्वक कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, हे कुंती नंदन, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पापंकुशा एकादशी है। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा व्रत करने वाला अक्षय पुण्य का भागी होता है। आश्विन शुक्ल एकादशी के दिन इच्छित फल की प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। इस पूजन के द्वारा मनुष्य को स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य कठिन तपस्याओं के द्वारा फल की प्राप्ति करते हैं, वह फल इस एकादशी के दिन क्षीर सागर में शेष नाग पर शयन करने वाले भगवान श्री हरि विष्णु को नमस्कार करने से ही मिल जाता है। अब मैं तुम्हें इसकी एक प्रचलित कथा सुनाता हूँ। प्राचीन समय में विंध्याचल पर्वत पर एक बेहलिया रहता था। वह बड़ा क्रूर था। उसका सारा जीवन हिंसा, लूटपाट, मदिरापान और गलत संगति, पाप कर्मों में बीत गया। जब उसका अंतिम समय आया, तब यमराज के दूत बेहलिया को लेने आए और यमदूत ने बेहलिया से कहा कि कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है, हम तुम्हें कल लेने आएंगे। यह बात सुनकर बेहलिया बहुत भयभीत हो गया और महर्षि अंगिरा के आश्रम में पहुंच गया और महर्षि अंगिरा के चरणों पर गिरकर प्रार्थना करने लगा, हे ऋषिवर, मैंने जीवन भर पाप कर्म किए हैं, कृपा करके मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे सारे पाप मिट जाएं और मोक्ष की प्राप्ति हो। उसके निवेदन पर महर्षि अंगिरा ने उसे अगले दिन ही पढ़ने वाली आश्विन शुक्ल पक्ष की पापंकुशा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने को कहा। महर्षि अंगिरा ने कहा कि तुम इस व्रत को विधि पूर्वक कर भगवान विष्णु की पूजा करो, इससे तुम्हें समस्त पापों से मुक्ति मिल जाएगी। महर्षि अंगिरा के कहे अनुसार उस बहेलिए ने यह व्रत विधि पूर्वक किया और उसने अपने सभी पापों से छुटकारा पा लिया। इस व्रत पूजन के बल से भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से उसने विष्णु लोक को प्राप्त किया। जब यमराज के दूत ने इस चमत्कार को देखा तो वह बेहेलिये को लिए बिना ही यमलोक को वापस लौट गए। पापंकुशा एकादशी का व्रत जो मनुष्य करते हैं, वे अंत में हरि लोक को प्राप्त होते हैं तथा समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।